हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रानी। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बिग बॉस 17 के सेट पे। आज का फीलिंग एकदम ऐसे, जब जा रहे हैं तो एकदम थोड़ा थोड़ा नर्वस, एक्साइटेड, और वो उन दिनों का याद आ गया जब हम ऑडिशन के लिए या बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड के लिए जब हम लोग जा रहे थे घर के अंदर, और वो जो एक फीलिंग था वो वैसा ही लग रहा है यार। तो ये रहे मनीषा जी, क्या चल रहा है? हम वैनिटी में है, वी आर गेटिंग रेडी फॉर आवर शूट। आज बिग बॉस का शूट करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस। तो आज का परफॉर्मेंस आपको पता, मतलब ऑन द स्पॉट मेरे को यहाँ आके पता चला। एक तो आ जाइए, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। देखिए बिग बॉस के टीम लोग को देखिए, बिहाइंड द सीन वाले जिनका मेहनत रहता है, सारा चेहरा दिखा दीजिए। तो बस आज हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसका रिहर्सल 10 मिनट में हुआ है। आई एम वेरी वेरी मच नर्वस, एक्साइटेड, बस परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाए, क्योंकि डांस बड़ा अच्छा, लेकिन 10 मिनट में क्या ही लोग सीखेगा, कितना ही सीखेगा। आई मीन भाई थोड़ा साइड हो जा। मनचले जी को मिलके कैसा लगा? बस मन मचल गया। ये सीजन बिग बॉस का है, वो कैसा लग रहा है? किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? टेकिंग ना, मैंने सच में ये सीजन नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा। जो रील्स पे कुछ कुछ आते हैं ना क्लिप, बस वही सब कुछ देखे हैं, सीजन नहीं देखा। और कई बात करें आपके और जो एल्विश का गाना आ रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपको? बुलेरो का वेलकम सस्त्री अकाल जी, सस्त्री अकाल। वेलकम टू मनीषा रानी व्लॉग। मैं कह रहा हूँ घर के लिए कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सो मच। और एल्विस को हम इनवाइट किए हैं डिनर पे, और अगर ये घर नहीं पहुँचा तो फिर आप इसको घिना सकते हैं। आऊंगा भाई, उससे खिलवाना जो खाना बनाती बंदी। अरे हम खिलाएंगे अपने हाथों से बना के, मतलब हाथों से नहीं, हाथों से बना के खिलाएंगे। वो खिलाइयो मेरे को। कौन क्या खाता था मैं उधर? पराठा? नहीं नहीं, केक, कप केक तूने वो बनाया था ना यार, कप केक। अरे वो वहाँ की, वहाँ का फूड है ना बिहार का, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, उसमें सिर्फ चोखा। आप वो जो चोखा बनाए थे ना, चोखा और रोटी, ठीक है। चलिए चोखा, रोटी, खीर और दही बारा, देयर इज अ लॉट ऑफ रेसिपी जो हम खिलाने वाले हैं। गॉड इंग्लिश, ओ माय गॉड इंग्लिश। मनीषा रानी इज इंप्रूविंग ऑन हर स्किल्स दिस डे। आई एम ट्राइंग टू बी मोर fluent, let me see. भाई मनीषा, मैं बात कैसे कर पाऊंगा तेरे से? क्यों? तू तो इंग्लिश बोलने लग गई। कोई नहीं भाई, एल्विश का भी इंग्लिश बहुत सही है। हम सुने आज एक, क्या तो ये बोला, सीरियस कुछ तो बोला, सीरीज तो एक वर्ड से लोग को समझ में आ जाता है। आपका वो प्रोनाउंसिएशन सही था। कैसी बात है, भैया शुरू ना कर पा रहे हम? क्यों नहीं शुरू करवा रहे भैया, कहाँ अटक गए भैया? मेरी बहन और भाई आए हैं। मिस्टी, हाय, वेलकम, वेलकम टू रोहित। हेलो, पहली बार आए हैं मेरे शूट और वैनिटी में। कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है ना कि स्टार का भाई है, फाइव स्टार जो हम लोग टीवी पे देखते थे, आज बहन के यहाँ हकीकत में देख रियल में। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है स्टार का भाई होने में, बहन होने में। यहाँ का तुमको खाना अच्छा नहीं लगा? जो हम लोग टीवी पे देखते थे, मीडिया वाले आते थे वैनिटी रूम में, इंटरव्यू लेते थे, और आज सारी सिस्टर के साथ हो रहा है साथ में। बहुत प्यारी लग रही ना दीदो, यहाँ का खाना पसंद नहीं है, इसीलिए ये काजल लेके आई थी घर से, वही खाना खा रहा है। हम भी तो लेके आए। बाबू सुनो, अरे बाबू जो पियोगे ठीक है तो पैक कर लेना। इसलिए तो थैला लेके समझा, ये इधर लेस वेस सब है समझा, और ये सब अपना, मतलब वो लोग देता है इतना, हम लोग ये लोग निक्की लोग तो वसूलती भी नहीं है, ये लोग पूरा। अच्छा, हम लोग ने वसूल लेना।
आए हो पूरा बनाना ये सब खत्म करो खा के। पैकेट भी हम लोग बहुत बड़ा है मोबाइल हाथ में लेके सब पैकेट में घुस। निक्की के तो बैग भी है सीधा लगेज वाले, कितना भी भर के लेके आओ। सबसे आधे वैनिटी रूम का सब खाना भी नजर। निक्की पिलो लेके नहीं जाएगी वैनिटी से एक पिलो? चलो डन के लिए जा रहे हैं मनीषा जी के शॉर्ट्स प्रिंट्स फोटोशूट कर रहे हैं हम लोग। नो इंस्टाग्राम पे देखना, इंस्टाग्राम पे। और अगर अच्छा अपलोड नहीं हुआ तो आप लोग बेझिझक इसके कमेंट में गाली दे सकते हैं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम इसको बोल दिए कि फोटो अच्छे से लेना, अच्छे से एडिट करना है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप इसका माफ नहीं कर सकते, कोई टेंशन। वैसे ही मेरे को सुनने मिल रही है कुछ दिनों से हंसा हंसा के। और अगर फोटो अच्छा आया तो फिर भरदम तारीफ भी कीजिएगा कॉमेंट में, होपफुली पॉजिटिव हो। चलो चलो बैक टू फोटो और करते हैं, आपको बीटीएस दिखाते हैं। यस। अरे बाप, इतना सांस रोक के पेट अंदर करना पड़ता। इंस्टाग्राम पे आप जिस भी लड़की का पतला पतला कमर वाला फोटो देख के पागल हो जाते हैं। ये ना तो देख लीजिए भाई, लड़की लोग धूड़ बनाती है सोशल मीडिया में। एक्चुअल में कमर होता है ऐसा, लेकिन पोज मारने के लिए करती है ऐसा, और इसी में सबको बेवकूफ बनाती है। फिर लोगों को लगता है कि यार इतनी स्लिम है, इतनी फिट है। एक्चुअल में इतना होता नहीं है, थोड़ा हम लोगों को सांस उठना पड़ता है, पेट अंदर करना पड़ता है, फिर जाके एक परफेक्ट पिक्चर मिलता है 20 सेकंड के सांस रोकने के बाद। बट दीज डेज आई एम वर्किंग मोर ऑन माई फिजिक, सो आई थिंक आई लुक बेटर। और थोड़ा जिम विम करना स्टार्ट किया, 4-5 दिन ही हुआ है, लेकिन रिजल्ट 3 महीने बाद आप लोगों को मनीषा रानी को पेट ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्रॉम बिहाइंड द सीन जो हमारा स्क्रीनशॉट लेता था। यार तुम ठीक हो? मेरा फोन बहुत सुना मैंने यार। नहीं यही है जो बिहाइंड द सीन हमारा स्क्रीनशॉट लेता था। बॉस मैं तुम्हारे सुना। हाय कैसे हो आप? हाय हाय अच्छी हो, कैसे? बहुत बढ़िया। हेलो जी, आप तो अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी है। मजाक कर रहा यार, बोतल चुरा गई। ये बता रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का फोटो। फाइनली हमारा पैकअप हो गया है और आज का शूट बहुत मजेदार रहा। और आज स्पेशल चीज है इस एक चीज की, मिस्टी आई है और रोहित आया है, और क्योंकि ये लोग पहली बार लाइफ में मेरे सेट पे आए हैं, वैनिटी में आए हैं। और काजल, निक्की, ये नया प्रिंस, ये लोग तो आते ही रहते हैं, ये लोग डेली कस्टमर हैं। बहुत मजा है, बहुत मस्ती किए हैं हम लोग, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है। आज का डे हम लोग के लिए बहुत स्पेशल था, बहुत अच्छा लगा। बहुत नए नए लोग से मिले भी, सिर्फ एक से नहीं मिले, वो है सलमान खान। और जानते हैं आप लोगों को बताते क्या हुआ कि आज हम लोग सब गए और निकी का विश था कि इसको सलमान सर के साथ फोटो लेना है, इसने सुबह ही बोला। नहीं खाई है था ना, तो ये अभी घर जाके तोड़ने वाली है। इसका चावल खाएगी सलमान खान, दाल सलमान खान, नहाएगी भी सलमान खान। तो फिर उसके बाद फिर आज फाइनली निक्की को सलमान सर के साथ फोटो मिल गया। yes. और तुमको भी मिला ना काजल, तुमको भी मिला, नैन को भी मिला। तो फाइनली ये लोग का विश पूरा हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम रोहित और मिस्टी वैनिटी में रह गए थे, और प्रिंस भी, ये तीनों वैनिटी में रह गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लोग हो गए थे। बट होना चाहिए ना, कोई बात नहीं बाबू, नेक्स्ट टाइम एक्सेल से धोखे आई थी मिस्टी अपना दिल। नेक्स्ट टाइम, अरे नेक्स्ट टाइम आई प्रोमिस यू गाइज, जो भी बचे हैं तब मिलेंगे सबसे। नेक्स्ट टाइम रोहित, मिस्टी और प्रिंस को सलमान खान सर के साथ फोटो हम दिलवाएंगे। ये तुम तीनों, इस बार आप तीनों का हो गया, और नेक्स्ट टाइम तुम तीनों का, ठीक है? चलो इसी बात पे बोलो, ईस्ट और वेस्ट, मनीषा रानी इज द बेस्ट। अभी हम लोग घर जाके करेंगे। ये वन लाइनर रोहित जो है मेरा भाई है, इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा। और यहाँ का खाना लगा बहुत टेस्ट, और यहाँ का खाना हम लोग कर दिया वेस्ट, क्योंकि खाना हम लोग जो सच बात है, सेट का खाना पसंद नहीं आता है, स्पेशली हम लोग ऑर्डर वॉर्डर करके बनाए हैं, मतलब मंगवाए हैं और खाए हैं।
और आई एम जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. तुम लोग सब बाहर में जाओ. ओह माय गॉड, रियली हैड अ लॉट ऑफ फन. बहुत मजा आया. और आज 2-2.5 महीने के बाद फिर से बिग बॉस के सेट पे आके सलमान सर के साथ स्टेज शेयर करके बहुत मजा आया. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. और जैसा कि आप सबको पता है कि सलमान सर मेरे बहुत फेवरेट है और मजा आ गया. और हम जल्दी एक मूवी सलमान सर के साथ करना चाहेंगे और आई विश कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो. और फिर से वापस बिग बॉस के सेट पे गए, सलमान खान सर से मिले, स्टेज शेयर किए, बहुत मजा आया. और आप लोग को जैसा पता है कि सलमान खान मेरे बहुत फेवरेट है और हम चाहेंगे, मेरा बिग बॉस में आने का सपना था, जो जो सपना था वो सब धीरे धीरे पूरा हो रहा है. और उनमें से एक ये भी सपना है कि मुझे सलमान खान सर के साथ मूवी करना है. आई विश एंड आई प्रे कि हम इतना मेहनत करें, अपने आप को इस काबिल बनाए कि उनके साथ हम जल्दी मूवी करें. और आप लोग भी अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि मनीषा रानी का ये ड्रीम भी पूरा हो. और आई लव यू ऑल. आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए. तो ये रहा हमारा आज का वैनिटी और ये रही मिस्टी. तो ये जो हम लोगों को मिला खाने पीने का, हम लोग जो नहीं खाते लेके चल जाते हैं घर, वेस्ट नहीं करते हम लोग. नहीं खाएंगे, किसी को दे देंगे, लेकिन वेस्ट नहीं करेंगे.